Hello bachcho, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss the question number 7 of exercise 13.5. Chalo ek baar pehle question padh lete hain. Question is, a godown measures 40 meter and 25 meter and 15 meter. Full stop. Find the maximum number of wooden crates each measuring 1.5 meter, 1.25 meter and 0.5 meter that can be stored in the godown. ठीक है? तो बेटा यहाँ पे मैंने measurement already लिख रखी है. एक godown की measurement है 40, 25 and 15. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा सा godown होगा. इस तरह से कुछ जिसकी लेंथ होगी 40 मीटर, ब्रेथ होगी 25 मीटर और हाइट होगी 15 मीटर. ठीक है? और वो छोटी छोटी सी क्रेट्स नहीं होंगी, मान लीजिए कुछ इस तरह की, जिसकी लेंथ उन्होंने दी हुई है 1.5 मीटर, ब्रेथ दी हुई है कितनी 1.25 मीटर एंड हाइट इज व्हाट 0.5. ठीक है? अब वो कह रहे हैं ऐसी क्रेट्स को इस गोडाउन में रखा गया है. तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं ऐसे बड़े से गोडाउन में ऐसी छोटी छोटी कितनी क्रेट्स आ जाएंगी. ठीक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन हम एक बार और कर चुके हैं ऐसे ही, जो वॉल के ऊपर बेस था. ठीक है? वही सेम केस यहां पर है. वहां पर हमने ब्रिक्स रखी थी वॉल्स को बनाने के लिए, यहां पर हम गोडाउन में क्रेट्स रख रहे हैं. ठीक है? तो देखिए सर, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्रेट्स. तो कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन ओवर वॉल्यूम ऑफ अ क्रेट. ठीक है? अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दैट इज इसको मैं एज इट इज उठा के यहां पर प्रूव कर सकता हूं. तो 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर. ठीक है? और नीचे बेटा क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्रेट. यहां पर इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए क्यूबिकल शेप पर लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर. ठीक है? तो देखिए सर क्या करेंगे हम, 10 मीटर, देखिए जब आप डेसिमल पर टाइम पर 10 ले जाएगा, इसको हटाएंगे फिर से 10. ठीक है? तो बेटा 5 3 का क्या हो जाएगा 15, और क्या हो सकता है 3 5 का कितना होता है 15, तो यहां पर 5 आ जाएगा और 5 5 का कितना होगा बेटा 25. इस डेसिमल को आप और डालें तो कितना लग जाएगा 100. ठीक है? तो अब देखिए बेटा ये डिविजिबल है किससे, 25 से, तो 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, अगेन ये डिविजिबल है, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, अगेन ये डिविजिबल है, 5 2 जा 10 दैट मींस 20. ठीक है? तो देखते हैं क्या रह गया, 40 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 20. ठीक है? अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, और यहां पर तो 40 नहीं है, 4 4 जा 16 और कितने जीरोस हो गए 3 जीरोस. सो दैट मींस ऐसे गोडाउन में बेटा कितनी क्रेट्स आ जाएंगी 16,000. ठीक है? आई होप क्लियर हो गया होगा. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट.